सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? होप करता हूं सब बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब आप लोगों ने थंबनेल टाइटल तो देख ही लिया होगा। तो गाइस आज हम लोग गाड़ी निकाल रहे हैं R15 V3। तो मतलब थोड़ी पुरानी हो गई है, बट V3 तो V3 है। आप सभी लोगों को पता है, चाहे V4 आ जाए चाहे M आ जाए, पर V3 का जो प्यार है वो कोई नहीं भूल सकता। अब वही है, आज हम लोग उसी की डिलीवरी लेने जा रहे हैं। बाकी अभी मैं शोरूम के सामने खड़ा हूँ और ये देख सकते हैं, ये रहा शोरूम बरेली का। तो जो गाड़ी ले रहे हैं वो ये रहे भाई। और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। और बताओ कैसे हो? और भाई मतलब फाइनली ये गाड़ी लेने का मतलब बहुत टाइम से था, और मैंने भाई को पता है तकरीबन 1-1.5 साल से प्लानिंग चल रही थी गाड़ी की, बट कुछ थे फैमिली कंडीशन में नहीं ले पा रहा था, बट फाइनली आज आया। अब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और मैं भी मतलब व्लॉग बना रहा हूँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल है चौपाल के नाम से, तो देखना वहाँ पे व्लॉग आएगा। और भाई मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देखना। भाई ने बहुत सपोर्ट किया, भाई स्टार्टिंग से मेरे पीछे लगा था कि भाई गाड़ी कब ले रहा है, गाड़ी कब ले रहा है। फाइनली गाड़ी का कलर कौन सा बता दो? गाड़ी गाइस मैं क्या बताऊँ, मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये कलर ले ग्रे, लेकिन तब भी ये कलर ले रहा है ब्लैक। मतलब हमारे बरेली में ब्लैक कितने कलर भाई, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू हर दूसरी जगह पे जाएगा तेरे को ब्लैक कलर एक ना एक दिखेगा। अब देखो करते हैं यार, अभी तो कर ही रहे हैं गाइस, अभी चल ही रहा है। बाकी अभी गाड़ी ना अभी थोड़ा सा पेमेंट का चक्कर हो गया था, मतलब अकाउंट में तो पड़ा हुआ है बट थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, बट कोई बात नहीं, अब सॉल्व हो जाएगी, सीधा ओनर से बात होगी। बाकी चलिए अब मैं गाड़ी पहले तैयार हो जाए, फिर आप केक कटिंग वगैरह सब होगी तो उसी बाद मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आप फोड़ दे। अरे यार पोपट कर दिया तुमने यार, नहीं फूट रहा, वीडियो स्टार्ट ही रहने दे। हां उल्टा उल्टा मत घुमा देना बस। हां सही घूम रहा है, तब भी नहीं घूमता रेड के देखते समझते नहीं है आपको भाई। डिलीवरी फाइनल हो चुकी है तो बाहर आपको मिलते हैं सीधा। तो गाइस डिलीवरी फाइनल हो चुकी है, केक कटिंग हो चुका है, पूरा खावा लिया, अभी जो यहाँ पे लोग हैं उनको दे देंगे। तो देख सकते हैं गाइस ये रही बाइक, आप लोगों को पता ही R15 V3। बाकी चलिए चलते हैं, अब सीधा बाहर निकालते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। आप भी चले जाओ, नहीं नहीं मत करो, अब निकालते हैं इसको जल्दी से बाहर, फिर मिलते हैं आपको। स्टार्ट कर, मास्क लगा ले थोड़ी देर के लिए। हाँ थोड़ी देर के लिए मास्क, हाँ कह रहे कोई और बंदा है ये तो। रुक जा रुक जा रुक जा, चलिए अब चलते हैं। नहीं इस गाड़ी का भी ब्लॉग आएगा, बहुत जल्दी आएगा इस गाड़ी का ब्लॉग। कैमरा मेरा बंद था, एक कपल मिला तो मतलब वो देख रहे थे भाई, उनको पसंद आई तो अच्छा लगता है, ऐसे कोई कॉम्प्लीमेंट कोई करता है ना, तो जब कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। कैसी लगी भाई? कैसी क्या लगी यार, मतलब चलाते आ रहा हूँ तो भाई क्या ही बोलूँ, मज़ा आ रहा है। जो चीज़ मतलब मैं सोचता था और वो देखता था, फाइनली वो आज मेरे पास आराम से। और सबसे मजा तब आया इसको देख के, टिन टिन टिन। अरे भाई साहब इसके लिए कितना, 1000 रुपए का टंकी फुल हुई है? 1030। 1030
और एक लीटर को डाल देते हैं लोग, मतलब 1100 में फुल टैंक। तो गाइस ये रही कुछ बाइक, ये आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। अगर आप लोग रात में देख रही हो, ब्लैक कलर मैं तो उससे बोला था ग्रे कलर ले ले, वो कह रहा है कि भाई ब्लैक, तो आप लोग बताइए ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। बाकी गाइस एकदम नहीं है चलाने में, चलाने में तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो अब चलिए चलते हैं। तो गाइस हम लोग घर पहुँच गए थे और ये पार्ट मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गाइस मेरे को बताना था कि थोड़ी सी दिक्कत आई, मतलब थोड़ा सा पेमेंट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो वहाँ से भैया आए थे तो उनकी वजह से वो मैटर सॉल्व हो गया था, बट कोई बात नहीं। और गाइस ये वीडियो थोड़ी सी सिंपल ही बन पाई है, क्योंकि पिछले जो मेरी R15 अपने M वाली वीडियो देखी होगी डिलीवरी की, तो वो बहुत सही बनी थी, क्योंकि वहाँ पे शोरूम ने सपोर्ट किया था, यहाँ पे शोरूम से कोई सपोर्ट नहीं था गाइस। मतलब उनके पास एक कपड़ा नहीं था कि बाइक के ऊपर से एक बार वो खींच के जो अलग से जो वीडियो बनती है वो भी नहीं बन पाई, बट कोई बात नहीं, जो है अब यही है। और गाइस आपने देखी थी बाइक, और बहुत लोग मुझसे कहेंगे कि आप लोगों ने R15 V4 या फिर M क्यों नहीं ली, तो गाइस मेरे को नहीं लगा या फिर उसको भी नहीं लगा, और उसका बजट का भी थोड़ा अच्छा था, बट मेरे को लगा भी नहीं कि 210 डालो आप, मतलब ना इतनी ज़्यादा पावर मिलती है। हाँ इंजन बहुत अच्छा है, यामा का इंजन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बट वही बात है पैसे भी देखने हैं बजट भी देखना है, तो उस हिसाब से हमने बाइक चूज़ करी थी R15 V3, और वो पड़ी है ऑन टोटल 1.91 की विदाउट हेलमेट। अगर हेलमेट लेते हैं तो 1000-2000 एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो वही हमने विदाउट हेलमेट लिया, और हम लोगों ने हेलमेट बाहर से लिया था, शर्ट्स का लिया था ठंडा, तो वो उनका अवेलेबल नहीं था तो हम लोगों ने बाहर से ले लिया था। बाकी आपको बताई दिया प्राइसिंग वही है, और प्राइसिंग बेस्ट है मेरी। और गाइस ये थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी लेट आएगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा जुकाम वगैरह हो गया था, अभी भी थोड़ा सा है, बट कोई बात नहीं वीडियो तो आनी है। बाकी चलिए अब आपको बाद में ओनर से मैं भी मिलवा दूंगा। तो गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, और पूजा वूजा वगैरह सब डन हो गई है। बाकी और तो कैसा लग रहा है, मतलब गाइस बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये गाड़ी लेने का मतलब एक सपना सा था मेरा, और मतलब फाइनली ये गाड़ी मिल गई। ठीक है, इस गाड़ी के लिए हमने पता नहीं कितना बहुत, और ऐसा नहीं अभी भी कितनी प्रॉब्लम हुई है। हाँ अभी भी शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई, पहले तो वो नहीं हो रही थी, पेमेंट में इशू आ रहा था, उसके बाद गाड़ी में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, गाड़ी चेंज करवाई तो उसमें और टाइम लग गया, तो उसमें गाइस रात भी हो गई, तो मैं बाइक आपको कई बाद में दिखाऊंगा, बाकी आपको मैंने पहले दिखाई दी होगी। बाकी चलिए और इस वीडियो में रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।